जन अधिकार परिषद की वार्षिक बैठक आयोजित कर संचालन समिति का गठन किया गया, साथ ही भविष्य में किए जाने वाले कार्यों पर गहन चिंतन व चर्चा की गई। इस बैठक में सभी सदस्यों ने अपने विचार रखे और समाज के जनहित और प्रशासनिक वैधानिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु कार्य योजना तैयार की। बैठक की जानकारी परिषद के अध्यक्ष अरुण सिंह सिसोदिया ने दी है। आज जन अधिकार परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी, जिसमें पूरे जिले भर के लगभग 50 लोगों ने हिस्सा लिया और समाज में जो आम लोगों को वैधानिक अधिकार दिलाने का एक बीड़ा उठाया हुआ है 2011 से जन अधिकार परिषद ने, हमने आज एक कोर कमेटी का गठन किया और लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, नगर निगम इत्यादि जितने भी संवैधानिक मदद दे सकते हैं उसको देने के लिए कार्य योजना का गठन हुआ और कार्य समिति में लगभग 30 लोगों को हम लोगों ने एक मिलजुल कर सामूहिक नेतृत्व का एक फैसला लिया, जो कि आने वाले समय में एक समाज में एक अलग पहचान और एक नींव के पत्थर जैसा स्थापित होगा। हम अपनी पूरी टीम के साथ जन अधिकार परिषद में समर्थन देते हुए ये बोलना चाहते हैं कि ये सब आपके लिए है, हमारे देशवासियों के लिए है, हमारे शहर के लिए है। जिस भी बंदे को किसी भी तरह से कोई परेशानी होती है, सरकारी संस्थान अगर उनकी बातें नहीं सुनती हैं तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करें, हम हमेशा आपका मुद्दा लेके आगे तक जाएंगे, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। आज की जो जन अधिकार परिषद की बैठक हुई काफ़ी प्रभावशील रही है और आज जो हम लोगों ने इस पे कोर कमेटी का गठन किया है और सबसे अच्छी बात यह है कि सारे मुद्दों को यहाँ पर कवर किया जा रहा है। बच्चों के अधिकारों की बात हो चाहे महिलाओं के अधिकारों की बात हो, हम सभी लोगों ने ये तय किया है कि आगे चलकर जन अधिकार परिषद इन तमाम मुद्दों को बहुत मजबूती से लड़ाई करने वाला है ताकि हर बच्चों की। जय हिंद जय भारत। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा, आज जन अधिकार का आयोजन किया गया है इंडियन कॉफी हाउस में और बड़े पैमाने पर किया गया है। मैं सभी को सलूट करता हूँ, हृदय से धन्यवाद करता हूँ इस चीज के लिए। मेरा ये फर्ज है कि हर आदमी को यह पता होना चाहिए कि हमारा अधिकार होता क्या है इस चीज के लिए। जैसा कि अभी मैं डायरेक्ट दोबारा से हूँ, पूर्व सैनिक हूँ मैं, हर आदमी को ये नहीं पता, हर आदमी पुलिस से डरता है जाने के लिए थाने से लेकर कोर्ट कचहरी तक का, लेकिन आप वहां तक पहुंचे। हर आदमी, सरकार ने इतना सुविधा दिया है कि आपको एक 112 का नंबर देना है और तत्काल आपके पास पहुंचेगी गाड़ी, 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक का शहरी एरिया में है, ग्रामीण एरिया में 30 मिनट का एरिया दिया गया है। तो मैं ये चाहता हूँ दोस्तों, जितने भी हैं कोई डरे ना, पुलिस महकमा आपके साथ में सक्षम खड़ी है और तत्पर खड़ी है, सेवा के लिए खड़ी है, सरकार समर्थन कर रहा है और हमारे टीम खड़ी हुई है पूरी यहाँ से हर एक चीज के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसमें आपका समर्थन चाहिए, आप डरे ना। हर चाहे खाद्य विभाग हो, श्रम मंत्रालय हो, BST मंत्ररालय हो, चिकित्सा विभाग हो, XYZ, मैं आप ज्यादा ना बोलते हुए को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत।